हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अजय यादव आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बताएंगे, बल्कि आपको ये बताने वाले हैं कि फिल्में पैसा कैसे कमाती हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसे फॉलो करके आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। दोस्तों, फिल्में पैसे कमाती हैं तो प्रोड्यूसर तक पैसे कैसे पहुंचते हैं? हम तो पैसे देते हैं थिएटर में, वो पैसे प्रोड्यूसर तक कैसे पहुंचते हैं? फिल्में हिट कैसी होती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं या फिर डिजास्टर हो जाती है, ये कैसे मालूम चलता है? तो इस वीडियो में हम आपको वही सब बताने वाले हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए। दोस्तों, प्रोड्यूसर पैसा लगाता है फिल्म में, फिल्म को बनाता है, वो सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को, और सब डिस्ट्रीब्यूटर थिएटर्स को। तो बताते हैं बिल्कुल सिंपल और आसान शब्दों में। मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए। फिल्म बन के तैयार हो गई, 4 करोड़ रुपए लगे प्रोड्यूसर के। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, फिल्म को या तो खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पैसे कमाएगा, या तो फिल्म को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। अगर फिल्म को खुद डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ठीक है, या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है। प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा फिल्म 8 करोड़ रुपए में, तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हुआ 4 करोड़ का। अब फिल्म की कॉस्ट हो गई 8 करोड़ रुपए। डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म को 8 करोड़ रुपए में खरीदा। अब डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को प्रमोट करेगा और फिल्म को अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा, जो कि अलग अलग थिएटर्स में ये फिल्म लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म को खरीदा 8 करोड़ रुपए में और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचेगा 16 करोड़ रुपए में। तो फिल्म की कॉस्ट हो गई 16 करोड़ रुपए और डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रॉफिट हो गया 8 करोड़ रुपए। दोस्तों, सबको प्रॉफिट हुआ, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हुआ और डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रॉफिट हो चुका है। अब बात आती है सब डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर वाले पर्सन को। सब डिस्ट्रीब्यूटर थिएटर्स को मूवी देगा, मूवी के प्रिंट्स देगा, और सब डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर्स का जो परसेंटेज रहता है प्रॉफिट का, 25% और 75% का रहता है। जो भी टिकट हम खरीदते हैं या फिर टिकट सेल होती है थिएटर्स की, उसमें से 25% होता है थिएटर्स का और 75% होता है सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का। मान लीजिए फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमाए बॉक्स ऑफिस पे, तो उसमें से 25 करोड़ रुपए थिएटर्स का होगा और 75 करोड़ रुपए सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में आएगा। तो इसी हिसाब से फिल्में पैसे कमाती हैं और फिल्में हिट या फिर फ्लॉप होती हैं। फर्स्ट बात ये आपको क्लियर कर दो कि प्रोड्यूसर को कभी लॉस नहीं होता है, लॉस होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।